हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मेहंदी की ब्राइड्स लेकर आई हूँ, उनकी ड्रेस कलेक्शन, उनकी ज्वेलरी कलेक्शन, उनके मेकअप का स्टाइल। मायू और मेहंदी वाले दिन हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत लगते हैं। इवन जो शादी का दिन होता है वो और भी खूबसूरत लगना चाहती है। तो मेहंदी का जो फंक्शन होता है, ब्राइड्स की कोशिश होती है वो सिंपल भी रहें और ख़ूबसूरत भी नज़र आएं। तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन का आजकल ट्रेंड चला हुआ है। पहले ज़माने में था कि येलो और ग्रीन का यूज़ किया जाता था, यानी पीला और हरा का कॉन्सेप्ट था। अब तो मेहंदी की जो ब्राइड्स हैं वो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के ड्रेसेस पहनती हैं, और उनको यूज़ करके एक ही ड्रेस में उस ड्रेस को वो काफ़ी स्टाइलिश बना देती हैं। तो आप डिफरेंट फैब्रिक्स लेके, जिनमें येलो, ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक, शॉकिंग पिंक, इस तरह के जो रंग हों, तो वो भी आप मेहंदी की नाइट पे यूज़ कर सकती हैं। मेहंदी का ड्रेस आप उससे बना सकती हैं। अब इस ड्रेस को देखें, ब्लू हो गया और मुख्तलिफ कलर की स्ट्रिप्स वाला ड्रेसेस हो गया। ग्रीन रेड के कॉम्बिनेशन को देख लें। तो आजकल डिफरेंट कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, और ख़ासकर जो गोटे का यूज़ है, गोटे वाली लेसेस हैं वो बहुत इन हैं। डिफरेंट जो लेसेस हैं उसमें से फूल काट के आप लगा सकती हैं। इवन आप जो बनारसी और ब्रोकेट का कपड़ा है, येलो कलर में, शॉकिंग पिंक कलर में हो गया, जॉर्जेट के कपड़े हो गए, उनको आप यूज़ कर सकती हैं। और जो ब्रोकेट के कपड़े हैं, जो बनारसी कपड़े हैं, उनके आप पैचेस लगा सकती हैं, उनको एज अ लेस आप अपने ड्रेसेस में यूज़ कर सकती हैं। सिंपल अगर ऐसा है आपके पास, अगर सिंपल आपके पास ऑरेंज जॉर्जेट कलर है, तो आप उसी ऑरेंज पे आप येलो पैचेस लगा सकती हैं, ग्रीन पैचेस लगा सकती हैं बनारसी कपड़े के। तो डिफरेंट कलर की आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, गोटे का यूज़ कर सकती हैं। डिफरेंट और किस्म की लेसेस भी मिलती हैं इन्हीं कलर्स में, तो उसका भी यूज़ कर सकती हैं, बीड्स लगा सकती हैं। तो होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें इस तरह के आइडियाज़ हैं। अगर आप महंगा ड्रेस नहीं लेना चाहती, जो लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती, जो चाहती हैं कि उनके शादी पे कम अखराजात उठें, तो वो ख़ुद भी घर में डिज़ाइन कर सकती हैं ड्रेसेस को। ड्रेसेस को जस्ट जो डिज़ाइनिंग होती है वो खूबसूरत बनाती है, जो ड्रेसिंग होती है उसको वो फैब्रिक खूबसूरत नहीं बनाता। तो होप आपको बात समझ आ गई होगी, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिले होंगे इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।